YouTube चैनल अर्शद जयपुरी। तो आज मैंने एक बोया का माइक मंगाया था ऑनलाइन, जो आज आ चुका है। तो मैं उसकी अनबॉक्सिंग करूंगा और उसका रिव्यू भी करके दिखाऊंगा कि आपको भी वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो उसके रिव्यू के लिए फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं, चलिए वीडियो में आएंगे। तो दोस्तों, हमने पार्सल ले लिया है, माइक का आ गया। भैया के सामने मैं वीडियो नहीं बना रहा था, उनको अजीब सा लगता थोड़ा, इसलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर मैं आपको रिव्यू दे दूंगा इसका एंड टू एंड, ये माइक आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो मैं भी फर्स्ट टाइम माइक मंगाया हूँ यूट्यूब के लिए, तो कुछ आइडिया नहीं है अभी। तो ऐसा इसका कुछ बॉक्स है, बोया का माइक मंगाया मैंने बाय M1, और इसके फीचर्स वगैरह देख लो आप जो भी है, मैं फ़ोटो डाल दूंगा अलग से। तो इसकी प्राइस वगैरह मैं बताता हूँ वीडियो के एंड में, मैंने कितने का लिया, ऑफ़र में लिया मैंने इसलिए मुझे सही पड़ गया बहुत। और ये इतने से पैकिंग में आपको इसका कवर मिल जाएगा, माइक के ऊपर की जो फॉर्म आती है ना, ये माइक हमारा, इसके ऊपर की जो फॉर्म है वो इसमें मिल जाएगी। तो आपको दिखा देता हूँ खोल के, ये तो कुछ पता नहीं किस चीज़ में लगने के लिए, इतना तो फ़ोन की अलग है, फ़ोन की इसमें अटैच आई है एक केबल के साथ। और ये इसका कवर फॉर्म, और ये इसकी बैटरी माइक के अंदर लगेगी जो इसके साथ आई है बॉक्स में, और ये एक क्लिप जो अपने टी शर्ट वगैरह पे लगा सकते हो आप, कॉलर माइक। और ऐसा इसका कुछ, इसको शायद कंपनसेटर पता नहीं इसको क्या बोलते, पता नहीं मुझे, लेकिन इसकी यही चीज़ मेन है बोया के माइक में, तभी बोया का इतना ज़्यादा पॉपुलर है। और ये इसका माइक है, और इसकी वायर बहुत ही लंबी है, तभी मैंने इसको मंगाया, अप्रोक्स 5-10 मीटर के आसपास है। तो ये कुछ ज़्यादा लंबी केबल है, मैंने इसलिए मंगाया, नहीं तो लोकल तो और मिल जाते हैं। तो मैं आपको अब वीडियो में इसकी प्रूफ भी दिखा दूंगा कि कैसा क्या डिफरेंस आता है बिना, विदाउट माइक के और विद माइक के। तो आगे प्रूफ दिखाता हूँ आपको, चलिए। तो गाइस, देखा आपने, अभी हमने माइक की अनबॉक्सिंग कर ली, और अभी मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ये माइक लगा के कर रहा हूँ, क्योंकि पीछे बहुत साउंड आ रहा है। तो अभी इसका रियल डिफरेंस चेक करना बाकी है, जो कि हम बाहर या तो खुले सर्फेस में चलते हैं, मार्केट में चलते हैं, उसमें इसका रियल टेस्ट पता चल पाएगा कि कितना ही इफेक्टिव है विदाउट माइक और विद माइक में क्या डिफरेंस है। और बाकी वीडियो में आप देखते रहिएगा मैंने ये माइक क्यों लिया, मैं ये भी बताऊंगा आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और ये वर्थ है या नहीं है। और जिस प्राइस में मैंने लिया है मुझे तो भाई वर्थ लगा, मैं आपको भी बता दूंगा कि मैंने कहाँ से ख़रीदा, तो आप भी जा सकते हो। चलिए, बाकी वीडियो में आप देख सकते हो कि मैं कैसे क्या इसका टेस्ट कर रहा हूं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए, वीडियो में आगे मिलते हैं। तो अभी गाइस, हम छत पे आ चुके हैं हमारी, तो देखो अभी विदाउट माइक ये वीडियो शूट हो रही है, तो इसमें पता चल जाएगा कि बैकग्राउंड नॉइज़ कितनी आ रही है। वैसे तो नॉइज़ है नहीं, लेकिन पता चल जाएगा आपको। और विद माइक के साथ भी मैं अभी यूज़ लेने वाला हूँ, वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आपको उसमें डिफरेंस पता चल जाएगा। लेकिन विदाउट माइक में एक ये होता है कि हमें ज़्यादा दूर चल जाते तब आवाज़ क्लियर नहीं आती, और विद माइक में यही फ़ायदा सबसे बड़ा कि आप कितनी दूर चल जाओ आपकी केबल के हिसाब से, कितनी मीटर की लॉन्ग, कितनी मीटर लॉन्ग है केबल। तो इसलिए मैंने बोया का परचेज़ करा, नहीं तो मैं लोकल भी परचेज़ कर सकता था, जो कि बहुत सस्ता 150 से 200 में मिल जाता था। लेकिन मुझे ये ओरिजिनल फ्लिपकार्ट की साइट पर 550 का मिल गया, जो कि मैंने ऑफ़र में मंगाया। तो माइक का सिर्फ यही फ़ायदा, तो मेरे तो देखो भाई दूरी काम आती है, जो लेंथ है वो ज़्यादा मुझे पसंद थी, ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी मुझे, इसलिए मैंने ये बोया का मंगाया, नहीं तो मैं और कोई लोकल भी ले सकता था। अब इसका विद माइक के साथ टेस्ट करते हैं वीडियो की कैसी क्वालिटी आती है पहले। तो गाइज, अभी हमने माइक लगा लिया, तो अभी इसका आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा कि कितना साउंड में फ़र्क आया। पहले की वीडियो में थोड़ी नॉइस है, मैंने अभी वीडियो देखी चलाकर, तो आप देख लो इतना डिफरेंस आता है। तो ये
काम का तो है भाई, बोया का माइक वाकई काम का, जब भी इतना पॉपुलर है। तो आपको अगर लेना चाहते हो, अगर यूट्यूब की स्टार्टिंग के लिए लेना चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंडेड तो करूँगा आप ले लो। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बड़ी केबल की नहीं है, वायर की नहीं है, तो फिर आप कोई लोकल भी ले सकते हो, 150 से 200 में माइक मिल जाएगा आपको। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट कुछ और भी थी, इसलिए मैंने बोया का ही परचेज़ करा, जिसकी 10 मीटर की तो केबल है सिर्फ। तो आप देख लो, अगर जैसे ज़्यादा नॉइस में अगर आप वीडियो शूट करना चाहते हो तो माइक के बिना नहीं हो पाएगी सही। तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। और मैं तो ये कहूँगा भाई, अगर आपको लेना है तो ले लो, बढ़िया चीज़ है बोया का माइक। और चलो वीडियो बंद करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में ऐसे ही। थैंक्स, बाय बाय।